हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलविश यादव और आपके ध्रुव राठी के बीच की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसी को आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। और मेरा फेवर क्या रहेगा, मैं किसकी सपोर्ट में हूँ, या कौन आदमी थोड़ा सा अच्छा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या कौन जो इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों ही यूट्यूब के अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों लोगों को प्रभावित करते हैं, तो कौन सा ज़्यादा अच्छे वे में, यानी कि आपको समाज को एक अच्छी दिशा में ले जा रहा है, कौन थोड़ा सा बेकार दिशा में ले जा रहा है। और पॉइंट की बात यह है, वो ले जा रहा है या हम लोग जा रहे हैं, ये भी बहुत ही लॉजिक वाली बात है कि कोई हमें ले जा रहा है या हम खुद जाना पसंद कर रहे हैं। इसमें सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने अपने ओपिनियन, जो भी आपके विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जो लोग यूट्यूब देखते हैं या जो भी लोग एलविश यादव की वीडियो देखते हैं या आपके ध्रुव राठी की वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों को पता होगा दोनों ही अच्छे यूट्यूबर हैं, ठीक है। तो जो लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एलविश यादव एक अच्छे यूट्यूबर हैं, जिनके आई थिंक 15 मिलियन के अप्रोक्स 15 मिलियन प्लस हो सकते हैं सब्सक्राइबर यूट्यूब पर। इसके अलावा जो ध्रुव राठी हैं, उनके भी उनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 22 मिलियन से भी प्लस हैं, 22 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा अलग अलग सोर्सों पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके चैनल्स हैं, तो वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग ये करते हैं और वहाँ भी इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत अच्छी खासी है दोनों की। अब अगर मैं दोनों की बात करूँ, एलविश यादव जो कि फ़नी और एंटरटेनमेंटिंग वीडियो बनाते हैं, जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, और इधर अगर मैं ध्रुव राठी की बात करूँ, तो ध्रुव राठी जो है आपकी नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको नॉलेज मिलती है, यानी फैक्ट वीडियो का चैनल है उनका। मोस्टली उनकी जो वीडियो होती है वो फैक्ट से रिगार्डिंग होती हैं। अब बात करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई है कि लास्ट एक दो मंथ से ध्रुव राठी जो वीडियो बना रहे हैं वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स को लेकर बना रहे हैं। मैं भी पर्सनली थोड़ा कम पसंद करता हूँ उन चीज़ों को जो एक पॉलिटिक्स के वे में, या पॉलिटिक्स या किसी एक पार्टिकुलर लीडर को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनाई जाएँ या किसी के अपोजिशन में बनाई जाएँ, तो उन चीज़ों के मैं भी खिलाफ़ हूँ। लेकिन देखो, अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर उनके चैनल को देखा जाए, ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादातर आपको फैक्ट और नॉलेज की वीडियो मिलेंगे। अगर आपने उनकी वीडियो को देखा है या उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, अगर उनकी वीडियो को फॉलो करते हैं या वीडियो देखते हैं, तो आपको पता होगा कि उनकी ज़्यादातर मोस्टली वीडियो, अब तक की जितनी भी वीडियो होती है, उनसे आपको साइंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, और आपका जो क्यूरियोसिटी होती है ना किसी चीज़ को जानने की, वो ग्रो अप होती है, वो बढ़ती है। अगर आपने नोटिस किया, अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं, तो आपने देखा होगा आप बहुत ही अच्छा फील करते हो, और नॉलेज जो होती है ना, आपका जो लेवल है, यहाँ से यहाँ होता है उनकी वीडियो देखने के बाद। तो पर्सनली मेरे को तो उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वो वीडियो लाते हैं। अब अगर हम एलविश यादव की बात करें, देखो उनका भी अपना अलग एंटरटेनमेंट है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, तो 2016-17 के अप्रोक्स से मैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हूं और वीडियो देखता हूं। मैं एलविश यादव की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं एक साल से उनकी वीडियो नहीं देख रहा हूं। इसके पीछे का रीज़न है, देखो माई ओपिनियन है, सबके अपने अपने विचार हैं। जैसे ही वो बिग बॉस से गए, तो बिग बॉस में गए और वहाँ से विनर हुए, उसके बाद से मैंने उनको थोड़ा सा इग्नोर किया है, उनकी वीडियो को इग्नोर किया है, उतना ज़्यादा देखा नहीं। हाँ, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मैं उनकी वीडियो देख लेता हूँ। प्रॉब्लम इज डैट कि क्या हुआ है, उन्होंने पूरे समाज को थोड़ा सा अलग दिशा में ट्रैक को टर्न कर दिया है, मतलब उनको अलग ही वे में, लोगों ने अलग ही वे में लिया है। मैं एलविश यादव को नहीं कह रहा हूँ, एलविश यादव ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करी है, और उनका चैनल एंटरटेनमेंट के लिए है, तो उनका जो कंटेंट होगा वो एंटरटेनमेंट के लिए ही होगा, ये मेरे को भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम इज डैट कि जैसे सिस्टम है भाई का, भाई के आगे कोई बोल नहीं सकता। अब एक्चुअल में देखो, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है और रियल ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में क्या है, वो चीज़ें अलग होती हैं। मैं पर्सनली एलविश यादव को तो नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जितना मैं देख रहा हूँ, हम जैसे ही क्रिएटर हैं, बहुत सारे एडिटर होते हैं जो एडिटिंग कर देते हैं, कोई वीडियो लगा दी एलविश यादव की, बदमाशी वाला गाना चला दिया, तो एक वो वाइब बन गई है बदमाशी वाली, तो वो चीज़ें थोड़ा सा गलत हैं, अलग वे में जा रही हैं, वो समाज थोड़ा सा अलग वे में जा रहा है। जो न्यू जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं 15-20 की एज में, जो वो एक सिस्टम है भाई का, उस तरीके के वे में जा रहे हैं, बदमाशी टाइप में, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ रहा है वो चीज़ें। लेकिन हो सकता है इसमें एलविश यादव इंक्लूड हों, हो सकता है रियल लाइफ में वो अलग किस्म के आदमी हों, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जितनी हमें नॉलेज है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे।
जब से बिग बॉस से आए हैं, विनर हुए हैं, उसके बाद उनका अलग ही मतलब एक बदमाशी वाला राव साहब गाना आया, उस तरीके के गाने भी उनके उस तरीके के हैं जिससे आप क्या कर रहे हो, न्यू जनरेशन इन्फ्लुएंस हो रही है और एक गलत वे में जा रही है, सिस्टम है। तो रियलिटी जो है कुछ और है लोगों की, और वहाँ शो कर रहे हैं बदमाशी वाला गाना लगा रहे हैं, कोई स्टेटस लगा दिया, कोई बदमाशी वाला गाना लगा दिया एटीट्यूड टाइप। तो एल्विस से यादव को फॉलो करके वो लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो चीज़ें मेरे को ख़राब लगती हैं। पर्सनली मैं एल्विस से यादव को कुछ नहीं कहूँगा, बहुत मेहनत करी है 2016-17 से उन्होंने, ये 7-8 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने चैनल के लिए, एंटरटेनमेंट का उनका चैनल है तो वो सब कर रहे हैं वो। लेकिन ध्रुव राठी की अगर मैं बात करूँ तो मैं उनके फेवर में हूँ, प्रॉपर मैं उनके फेवर में हूँ। कुछ वीडियो को अगर छोड़ दिया जाए तो उनकी जो वीडियो होती हैं लाजवाब होती हैं। तो इस वीडियो में बस मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था कि किस तरीके से आपको, देखो सब अपनी अपनी जगह सही काम करते हैं, अब आपके अंदर थोड़ा सा विवेक होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, आपको खुद की भी बुद्धि लगानी है कि आपको किस आदमी को देखना है, किस चैनल को देखना है, किस चैनल को नहीं देखना है, क्या चीज़ आपको सही लगती है, क्या सही नहीं लगती है, आपके भी तो ओपिनियन है, कौन आदमी आपको गलत ट्रैक पे ले जा रहा है, कौन आदमी आपको सही ट्रैक पे ले जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप खुद समझदार हैं, अगर आप अप्रॉक्स 18-24 या 25 की एज बिटवीन एज हो तो आप मेच्योर हो, थोड़ा समझदार हो, आप खुद देख सकते हो कौन चैनल हमारे लिए एडवांटेज देता है, कौन नहीं देता है, किस चीज़ से हमें सही रास्ता प्रोवाइड हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी आनी चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू देखो, आपने कोई बदमाशी गाना सुन लिया, राव साहब वाला गाना सुन लिया, तो उतनी जल्दी वो नहीं हो जाना चाहिए भाई अलग ही वाइब है उस बंदे का, सिस्टम है, ये कर देंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ अलग होती है और सोशल मीडिया की लाइफ अलग होती है। तो आप मेरा कहना तो ये है कि आप थोड़ा सा रियलिटी की तरफ जाएँ, और ये जो फेक ज़िंदगी है सोशल मीडिया पे, जितनी भी ज़िंदगी है ना किसी की, जितने भी चैनल है, जितने भी अकाउंट्स हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली प्रोवाइड करते हैं क्या, फेक चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं हूँ या कोई भी है, कोई भी फ़ोटो लगा दिया सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दी, बदमाशी वाला गाना लगा दिया, मेरा रौब है या नहीं वो चीज़ अलग है, मैंने लगा दिया, चाहे मेरा रौब नहीं है मैंने बदमाशी वाला गाना लगा दिया, तो वो चीज़ें गलत हैं। तो एजुकेशन की तरफ बढ़ें, देखो एजुकेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है, आप शिक्षित हो तो आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये जो मीडियम है जो एजुकेशन वाला वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें खर्चा कम है, आप कोई बिजनेस करोगे पैसा खर्च होगा, लेकिन जो एजुकेशन है उससे आप कम पैसे में ही अपने आप को एजुकेटेड कर सकते हो। और वही बात है कि आप इसलिए एजुकेट नहीं करना अपने आप को कि आपको अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, आपको एजुकेशन इसलिए भी लेनी है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है, जिससे आप समाज के काम आ सकें, लोगों की हेल्प कर सकें अपने एजुकेशन के व्याप पर। तो एजुकेशन मस्ट है, आप शिक्षित बने, नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नॉलेज मिलती है, साइंस की नॉलेज मिलती है, या फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए भी चैनल देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल जिससे आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं 10-20 मिनट एक घंटे, लेकिन मेरे विचार ये है कि आप थोड़ा एजुकेशन को सीरियस लें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें, सब लोग आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या फिर मेरी कोई बात आपको लगता है कि ये बात तो थोड़ी गलत है तो आप अपने तरीके से उस बात को बता सकते हो, ये मेरे ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकते हैं, ये सही भी हो सकते हैं, ये अपना अपना दिमाग है, अपना अपना मानना है, अपने अपने थॉट्स प्रोसेस है। तो वीडियो में कमेंट जरूर करके जाना, अगर वीडियो पसंद आई है तो, मैं बातें ठीक लग रही है मेरी, तो जो भी न्यू जनरेशन के बच्चे हैं या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जिन्हें आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है तो शेयर जरूर करना। तो अगर चैनल पर ऐसी वीडियो चाहते हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।